जदीद उर्दू फिक्शन में मिर्जा अतर बेग का नाम नुमाया है। आपकी मशहूर कुतब में गुलाम बाग, सिफर से एक तक, हसन की सूरत हाल और बे अफसाना शामिल हैं। आपने कई ड्रामा सीरियल और लॉन्ग प्ले लिखे। आपका नावल गुलाम बाग उर्दू के सफ़े अव्वल के नावलों में शामिल किया जाता है। गुज़श्ता चंद रोज़ आप लालत के सबब हस्पताल दाखिल रहे। अकादमी अदबियात पाकिस्तान के चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर यूसुफ खुश्क और चीफ एडिटर मोहम्मद आसम भट्ट तिमादारी की घर से आपकी रहशगाह तशरीफ लाए। चेयरमैन ने आपकी सेहत के बारे में दरियाफ्त किया। चेयरमैन साहब और मिर्जा अतर बेग के दरमियान तवील गुफ्तगू रही। गुफ्तगू शनीद का मरकज पाकिस्तानी अदब पर मगरबी अफकार के असरात का जायजा और उर्दू अदब को लाहक चैलेंजेस था। चेयरमैन साहब ने सीनियर अदीबों के इंटरव्यू रिकॉर्ड करने के इकदाम पर भी बात की। क्या कह रही है उसमें जाहिर है ना तो हर बंदे की तारीख का इतना मुताला होता है ना उसकी जो है ना वो सकाफत और उस समाज को वो उस अंदाज से देख सकता है जैसे आपने देख के लिखा। गुफ्तगू के दौरान मिर्जा अतर बेग साहब ने अपने आने वाले नए नावल पर भी बात की। उसका मौजू एक्चुअली ये है कि मेरी जो जिंदगी में एक लंबा दौर रहा है ना ड्रामा राइटिंग कमर्शियल ड्रामा टेलीविजन राइटिंग और एज ए लेक्चरर टीचर तो रहा ही है तो ये दोनों जो मैंने पेशे या शोबे हैं उनको साथ साथ चलाए तो ये जो नावल है ये उस सारे एक्सपीरियंस को कैप्चर करता है। तवील बैठक के बाद मिर्जा अतर बेग ने मेहमान ग्रामी का शुक्रिया अदा करते हुए उन्हें अलविदा किया।